तो दोस्तों, कुछ समय पहले वीवो ने वीवो U10 को लॉन्च किया था इंडिया में, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन था। और दोस्तों, ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो इस फ़ोन का प्राइस था वो बहुत ही कमाल का था। यानी कि दोस्तों, इस फ़ोन का जो प्राइस था वो हमें बहुत ही कम देखने को मिला था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो U10 के सन सेंसर यानी कि वीवो U20 के बारे में। और दोस्तों, साथ ही में बात करेंगे वीवो U20 में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है और किस प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवो U20 के बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पॉलीकार्बोनेट का बैक, जो कि दोस्तों ग्लोसिंग ग्रेडिंग फिनिशिंग के साथ आएगा। उसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको इस फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलने वाला है। और रियर साइड में आपको, यानी कि बैक साइड में आपको, एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा वीवो U20 में। उसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करें इस फ़ोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि दोस्तों बटर डॉप नॉच के साथ आएगा। और उसके साथ ही इस बार आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये बात तो बहुत बढ़िया होने वाली है कि इस फ़ोन में आपको वो फेस अनलॉक का फीचर भी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि दोस्तों एंड्रॉयड 9 पाई के साथ आएगा। और इस बार आपको फन टच OS भी मिलने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको इस फ़ोन में 3 RAM मिलने वाले हैं, 464 GB, 664 GB और 128 GB। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको रियर साइड में मिलने वाला है 53 कैमरा, जिसका मेन सेंसर होगा 16 MP का और 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का एक डेप्थ सेंसर मिलने वाला है। वहीं पर अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको 16 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो इसका सेल्फी कैमरा होगा वो हमें बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो वीवो के कैमराज होते हैं वो हमें बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों वीवो U20 के बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इस बार आपको इस फ़ोन में 5000 mAh का बैटरी मिलने वाला है, जो कि दोस्तों इस बार 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। तो दोस्तों, इस फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड होगी वो आपको इस बार बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वीवो U20 के प्राइजिंग के ऊपर। तो दोस्तों, इस फ़ोन का स्टार्टिंग प्राइजिंग यानी कि 464 GB वाला वेरियंट आपको 9 से 10 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वीवो U20 के लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, ये फ़ोन आपको 22 नवंबर को इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन 22 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, यही था वीवो U20 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।